नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जिला लुधियाना में छठ पूजा धूमधाम से मनाई गई। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी जहां पुलिस ने समारोह बंद भी करवाए। पुलिस के खिलाफ भक्तों ने रोष प्रदर्शन भी किया। गिल कैनाल ब्रिज के पास पुलिस द्वारा छठ पूजा समारोह के रुकने के बाद भक्तों ने विरोध किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्थानीय क्लब ने विवाह की अनुमति के बिना समारोह का आयोजन किया है और वे तेज संगीत बजा रहे थे। पुलिस ने समारोह में इस्तेमाल हो रहे उपकरण भी जब्त कर लिया है। वहीं आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्यवाही के तुरंत बाद लोग एकत्रित हो गए और धरना लगा दिया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें, पुलिस ने समारोह में पूरा एक्शन मोड दिखाया। सबसे पहले डीजे के स्पीकर बंद करवाए और तारे उखाड़ फेंके। इतने में समारोह में पुलिस के साथ भक्तों की कहासुनी भी हो गई। शिमलापुरी के कई राजनेता मौके पर पहुंचे। नेताओं ने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस कार्यवाही का विरोध किया। नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में इतने सारे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे कि सभी को विभाग से अनुमति नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने उन्हें कभी नहीं रोका। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिमलापुरी पुलिस और एसएचओ ने छठ पूजा मना रहे समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया है। एसीपी संदीप वडेरा ने कहा कि प्रशासन द्वारा हर साल छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। नहर के ईश्वर नगर पुल पर एक निजी क्लब के बिना अनुमति के समारोह आयोजित किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।